हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन माय गुरुकुल माय सेल्फ सुतिवी पांडे। और आज हम करने वाले हैं फिर सीटेट की समरी जो हम कर रहे हैं उसी को उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट कुछ लेसन्स की समरी अगेन हम इस वीडियो में करेंगे। सो प्रीवियसली हमने दो तीन वीडियो कर लिया ऑलरेडी सीटेट की समरी को, और इसकी फुल एक वीडियो है जो हिंदी में है, कंप्लीट हिंदी में जो रिटन मटेरियल है वो भी हिंदी में है, जिसका आई बटन पे आप मैं लिंक दे दूंगी, उस पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। चलिए सर कंटिन्यू करते हैं। सो हाउ वी कैन प्रिजर्व द फूड आइटम्स। अगर हमें मिल्क को प्रिजर्व करना है तो मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो मिल्क को बॉइल करके आप उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। सो इफ यू वी हैव टू प्रिजर्व द cooked rice, so how to preserve cooked rice, put in bowl and keep the bowl in container with some water. So अगर एक cooked rice है उसे लंबे समय तक हमें बना के रखना है fresh, तो उसके लिए उस rice की जो quantity है उसे एक छोटे से bowl में रख के एक बड़े bowl में पानी डालकर आप उसे कुछ समय तक fresh रख सकते हैं। Next है green coriander, so green coriander यानी कि धनिया, इसे अगर आपको फ्रेश रखना है तो इसे एक रैप इन अ डैम्प क्लॉथ, सो आपको इसे एक गीले कपड़े में अगर आप लपेट के रखेंगे तो यह काफी टाइम तक आप इसे फ्रेश रख पाएंगे। नेक्स्ट ऑनियन, ऑनियन एंड गार्लिक, सो ऑनियन और गार्लिक को अगर आपको लंबे समय तक प्रिजर्व करना है तो आपको इसके लिए आपको एक खुली जगह पे इसे रखना पड़ेगा, जिससे ये लंबे समय तक फ्रेश बना रहता है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट हमारा है टॉपिक जो स्टेट्स हैं और अलग अलग वहां के जो लिस्ट ऑफ फूड्स हैं उसको देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट में क्या क्या खाया जाता है। तो अगर आप यहाँ पर पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब नॉर्थ का एक स्टेट है, तो पंजाब जो नॉर्थ का स्टेट है वहां पर जो फूड आइटम फेमस है वो है मक्के की रोटी, सरसों का साग, राजमा चावल, दाल, चपाती, ये सारे वहां के फेमस फूड आइटम्स हैं। नेक्स्ट है राजस्थान, राजस्थान जो कि वेस्ट में पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है, और यहाँ का जो फेमस फूड है वो है दलिया, दाल चूरमा, दाल एंड चूरमा, मामा कचौरी, ये जो डिश है वो राजस्थान की फेमस डिश है। केरला जो कि साउथ में है वहाँ की जो फेमस डिश है वो फिश एंड राइस है, इडली सांबर, डोसा, ढोकला, ये सारे केरला के फेमस डिश है। वेस्ट बंगाल जो कि ईस्ट में पड़ता है, तो ईस्ट में जो राइस और फिश वहाँ का फेमस फूड है। और मध्य प्रदेश जो कि सेंट्रल इंडिया में पड़ता है वहां की जो फेमस डिश है उसका वो है दाल चपाती, चावल दाल, ये सभी वहां के फेमस डिश है। इसके अलावा हम कुछ और बातें जान लेते हैं थोड़ा सा फूड एंड डाइजेस्टिव के बारे में। जो हमारी बॉडी में जो इंटेस्टाइन होता है, आमाशय का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 30°C, और एसिड जो होता है स्टमक में जो प्रेजेंट होता है जिसकी थ्रू ही हमारा खाना जो है डाइजेस्ट होता है बॉडी में। और अगर यहाँ पे उड़ीसा में एक कालाहांडी जगह है जहाँ पे सबसे अधिक चावल का प्रोडक्शन होता है, राइस प्रोडक्शन, अदर स्टेट्स में भी होता है पर यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। और अगर आपको ये प्रिजर्व करने का तरीका आपने देखा, अब चलते हैं हम मैप्स पे, तो देख लेते हैं इंडिया का मैप हम करेंगे। इंडिया का ये मैप है जहाँ पर आप स्टेट को, आप ये आपके सीटेट में कई बार पूछा जाता है कि आप जो लोकेशन है इसके बारे में, तो आप ये बिल्कुल याद कर लीजिए, इस मैप को ध्यान से देख लीजिए। ये जो रेड कलर का एरिया आपको दिख रहा है ये जम्मू एंड कश्मीर है, इधर आप इस तरफ जो देखेंगे तो इंडिया के जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है ये पाकिस्तान है और ये चाइना है। और यहाँ पर नेक्स्ट जम्मू कश्मीर से सीधे बॉर्डर लगती है हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश से जो बॉर्डर लगती है वो पंजाब की लगती है, ठीक है। पंजाब से कनेक्टेड है बॉर्डर हरियाणा की, और हिमाचल से कनेक्टेड है उत्तराखंड की बॉर्डर यहाँ पे। तो जम्मू कश्मीर की बॉर्डर दो स्टेट से लग रही है, किससे किससे, पंजाब और हिमाचल से, और पंजाब की बॉर्डर किससे लग रही है, हरियाणा से और राजस्थान से, इन दोनों जगह से लगती है। नेक्स्ट है यहाँ पे उत्तराखंड, उत्तराखंड की बॉर्डर लगती है हिमाचल प्रदेश से और उत्तर प्रदेश से, दोनों से लगती है। फिर यहाँ पे हरियाणा से नीचे आते हैं तो उत्तर प्रदेश की तरफ आते हैं, तो उत्तर प्रदेश की बॉर्डर लगती है, इधर नेपाल है हमारा, ये नेपाल है, तो और नेपाल है, और इस तरफ इसकी बॉर्डर उत्तर प्रदेश की लगती है बिहार से और मध्य प्रदेश से और राजस्थान में। और जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे एक मोस्ट पॉपुलेटेड यहाँ का स्टेट है इंडिया का। और नेक्स्ट राजस्थान की बात करते हैं तो एरिया वाइज सबसे ज्यादा बड़ा स्टेट राजस्थान है
हमारे मैप में तो राजस्थान की बॉर्डर लगती है हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से। और अगर मध्य प्रदेश को देखेंगे तो इसकी बॉर्डर लग रही है राजस्थान से, यूपी से, झारखंड से, झारखंड से नहीं लग रही है, छत्तीसगढ़ से लग रही है, और यहाँ पे महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की बॉर्डर लग रही है गुजरात से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। तो टोटल कितने हो गए? 5 states और एक 6th state है गोवा। गोवा से भी इसकी बॉर्डर लगती है, गोवा एक छोटा सा स्टेट है यहाँ पे। तो ये जो है गोवा का एरिया, तो यहाँ से भी इसकी बॉर्डर लग रही है। तो पूरे कितने बॉर्डर लगे? 1, 2, 3, 4, 5 and 6। तो महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा 6 जो उसकी जो बॉर्डर्स है, 6 अलग अलग स्टेट से जो मिलते हैं वो है। कर्नाटका की बॉर्डर लग रही है गोवा से, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। फिर अगर इधर इस तरफ आते हैं हम, तो देख लेते हैं क्या क्या है हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड में आ जाते हैं। तो नेपाल है यहाँ पे हमारा जो नेबर कंट्री है, और उसके बाद यहाँ पे सिक्किम है। सिक्किम के साथ जो सिक्किम और इधर ये बीच में भूटान आता है जो हमारा नेबरिंग कंट्री है। सिक्किम बहुत ही छोटा सा स्टेट है। और नीचे यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये वेस्ट बंगाल से इसकी बॉर्डर मिलती है। नेक्स्ट है असम। असम और इसके नीचे मेघालय है, मेघालय की बॉर्डर असम से लगती है। और इसके बाद इधर आ जाते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश है जिसकी बॉर्डर लग रही है आसाम से और नागालैंड से। सो यहाँ पे आसाम और ये की बॉर्डर जो है नागालैंड से भी लगती है, मणिपुर से लगती है, मिजोरम से लगती है, त्रिपुरा से और मेघालय से। अब यहाँ पे नागालैंड की बॉर्डर लगती है मणिपुर से, आसाम से और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से। मिजोरम की बॉर्डर लगती है असम से, मणिपुर से, त्रिपुरा से। ये है मणिपुर। यहाँ पे मिजोरम छोटा सा स्टेट है जिसकी बॉर्डर लग रही है त्रिपुरा के साथ, मणिपुर के साथ और असम के साथ। फिर यहाँ पे आ जाते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की बॉर्डर लग रही है झारखंड और बिहार के साथ। नेक्स्ट है इधर से ये सिक्किम से भी थोड़ा सा टच हो रहा है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ की बॉर्डर लग रही है मध्य प्रदेश से, यूपी से और झारखंड से, ओडिशा से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से। तो ये सारे स्टेट से लग रही है। ओडिशा की बॉर्डर लग रही है आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल से। फिर नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं, आंध्र प्रदेश की बॉर्डर यहाँ पे कर्नाटका से लग रही है और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा से भी। और यहाँ पे कर्नाटका की बॉर्डर हम देख रहे हैं गोवा, केरल और तमिलनाडु के साथ ही अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है। तमिलनाडु सबसे नीचे आ रहा है साउथर्न मोस्ट में। सो यहाँ पे तमिलनाडु की बॉर्डर जो शेयर कर रही है वो केरला के साथ शेयर होती है, कर्नाटका और एपी यानी कि आंध्र प्रदेश के साथ शेयर होती है। और ये हमारा नेबरिंग कंट्री है छोटा सा श्रीलंका। यहाँ पे आई होप आपको मैप अच्छी तरह से समझ में आ गया है। और अगर आपको मैप समझने में कुछ भी दिक्कत हो तो आप अलग से मैं मैप के लिए एक वीडियो बना दूंगी जिसमें कि आपको, क्योंकि मैप से क्वेश्चन हर साल 2 से 3 मार्क्स से क्वेश्चन सीटेट में आते हैं। तो आपको मैप ये जो है ना बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए कि आपको कोई भी कहीं से भी मैप से पूछा जाए कि किसकी बाउंड्री कहाँ से लगती है, यही क्वेश्चन रहता है कि कौन से स्टेट की बाउंड्री कहाँ कहाँ से मिलती है। तो इसलिए ये जो मैप मैंने बनाया है ये उसी को ध्यान में रखते हुए कि आपके जो सीटेट के लिए यही मैप से सवाल पूछे जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। वांडरिंग सीड्स, इसके बारे में, ये बीजों के बारे में है कि अब यहाँ पे देखते हैं वांडरिंग सीड्स में। द सीड हैव मेनी टाइनी हुक्स विच गेट स्टक टू क्लॉथ और फर, दे कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू वॉटर। सो बीज जो होते हैं बड़े यात्री होते हैं ऐसा माना जाता है कि ये क्या करते हैं, जो टीनी हुक्स है उसके द्वारा ट्रेवल करते हैं और पानी में भी ट्रेवल कर सकते हैं, कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं पानी के थ्रू, ये जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। When the soybean pods are ripe, they burst and seeds are thrown out. So जब सोयाबीन का पॉड जो होता है वो पक जाता है तो ब्रस्ट करके और उसके बीज जो होते हैं बाहर उड़ जाते हैं, निकल जाते हैं। ग्रीन चिलीज, टोमेटो एंड पोटेटोज वेयर ब्रॉट टू इंडिया बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका। सो हरी मिर्च, टमाटर और आलू हमारी इंडिया में लाई गई थी जो ट्रेडर्स थे, जो साउथ अमेरिका के जो व्यापारी थे वो लेकर उसे आए थे इंडिया में। अगर बात करेंगे कैबेज और पी, कैबेज एंड पी वेयर बाउट ब्रॉट फ्रॉम द यूरोप। सो यूरोप से हमारे यहाँ आई है कैबेज और पी। अगर यहाँ पे देखते हैं फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका से कॉफी बीन्स एंड ग्रीन भिंडी वहां से आई, हरी भिंडी जो आप खाते हैं वो अफ्रीका से आई हुई है। नेक्स्ट है एवरी ड्रॉप काउंट, एवरी ड्रॉप काउंट। इस लेसन से देखते हैं कि इस लेसन में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे एक जगह है, दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट अ प्लेस नेम्ड घड़ीसर। सार मीन्स लेक,
तो यहाँ पे घड़ीसर एक जगह है जो कहाँ पे है, जैसलमेर। जैसलमेर में सार का मतलब क्या होता है, झील होता है। एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ जैसलमेर। देयर वर 9 lakes एंड दे कैन बी फिल्ड विद अ सिंगल लेक। जैसलमेर गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल वंस इन अ ईयर और समटाइम्स नॉट इवन दैट। सो यहाँ पे क्या होता है, जैसलमेर में यहाँ पे 9 झीलें थी जिसमें कि जो आपस में इंटरकनेक्टेड है, जितने भी 9 झीलें हैं वो सब इंटरकनेक्टेड है। जैसलमेर में साल में सिर्फ एक बार बारिश होती है, कभी कभी वो भी नहीं होता। आप यहाँ देखना, जैसलमेर एट सम प्लेसेस पीपल सेलिब्रेट इन व्हेनेवर लेक्स गेट फिल्ड अप विद वाटर, लाइक उत्तराखंड न्यू ब्रिज गोज टू गो टू द स्प्रिंग और द पॉन्ड। ये है यहाँ इसके बारे में। और यहाँ देखिए ऐसी यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे अगर वाटर फिल होता है तो वो एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत कमी है, पानी बहुत कम होता है। अब इसकी रीजन जान लेते हैं, द रीजन वाई वेल्स हैव ड्राइड अप, क्यों कुएं सूखते जा रहे हैं, उसके रीजन क्या क्या है। फर्स्ट है, वाटर इज बींग पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मोटर के द्वारा आप अधिक पानी का प्रयोग कर लेते हैं और पानी को अंदर से निकाल लेते हैं। द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट एंड नो लॉन्गर देयर। सो यहाँ पे झील ऐसी झीलें होती है जिसमें वर्षा के जल का संग्रहण होता है या भंडारण होता है, वे खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट है, द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स इज नाउ कवर्ड विद सीमेंट। अभी क्या हो गया है कि जो पेड़ होते हैं और उसके आसपास के जो जगह होते हैं, हमने उसे सीमेंट और कंक्रीट की जमीन उससे बना देते हैं, जिससे कि वो क्या होता है कि वहां पर जो पानी जो होते थे वो एब्जॉर्ब किए जाते, तो वो नहीं हो पाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि उस जमीन उसे सीमेंटेड नहीं करना चाहिए। नाउ एक्सपेरिमेंट विथ वॉटर्स। एक्सपेरिमेंट विथ वॉटर, ऑल ओशियंस एंड सीज हैव साल्टी वॉटर। अब इस ये जो हमने अभी देखा, इसमें एक बात और बता दूं मैं आपको कि जब जोधपुर में 1986 में जब वर्षा हुई ही नहीं थी तो वहां पे बावली बनाया गया था। बावली क्या होता है, सीढ़ीदार कुआं होता है जिसे हम बावली कहते हैं। नेक्स्ट है, एक्सपेरिमेंट विथ वॉटर, ऑल ओशियंस हैव एंड सीज हैव सॉल्टी वॉटर। द सॉल्टेस्ट वॉटर कैन बी फाउंड इन द डेड सी, अराउंड 300 grams ऑफ सॉल्ट इन एवरी 1 liter of water. No one can be drawn in the Dead Sea because of that much salt density. The person will float on the surface of water. देखिए यहाँ पे क्या है, पानी जो होते हैं, जो समुद्री पानी होता है वो salty water होता है। आपको तो पता है ये बात कि नमक का पानी होता है, जिससे गांधी जी ने क्या किया था 1930 में, इसी के कारण गांधी क्या हो रहा था वहां पर कि जो उन्होंने दांडी यात्रा निकाली थी, क्यों निकाली थी, तो दांडी मार्च निकालने का रीजन था कि जो आम लोग होते हैं उन्हें नमक बनाने नहीं दिया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, और या फिर उस पर बहुत टैक्स लगा दिया था उन्होंने नमक के ऊपर, तो जिससे उन्होंने एक दांडी मार्च निकाली थी, जिसमें कि उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक मार्च निकाला, जिस मार्च में वो कहाँ गए थे, तो उन्होंने वो गए थे अहमदाबाद से दांडी, और वो जो गए थे सागर के रस किनारे से गए थे, और वो आंदोलन था नमक कानून के खिलाफ जो अंग्रेजों ने बनाया था उस समय। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि जो डेड सी होता है, डेड सी का मतलब क्या होता है, डेड सी जो होता है वहां पर कोई भी अगर बोलते हैं कोई अगर गिर जाता है तो वो डूबेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वहां की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। 1 liter पानी में वहां पर 300 grams ऑफ सॉल्ट वहां पे पाया जाता है, तो ये इसलिए डेड सी जो होता है इसलिए उसे डेड सी कहते हैं, क्योंकि वहां पे सी है लेकिन वहां पे कोई भी डूब नहीं सकता। अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। चलिए ये लेसन देखते हैं, इस लेसन में इस टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। इन मलेरिया फीवर कम्स विथ चिलीज एंड रीगर्स। मेडिसिन फॉर मलेरिया, बार्क ऑफ द सिंकोना ट्रीज। आयरन कैन बी फाउंड इन जैगरी, आमला, मोर ग्रीन एंड लिफी वेजिटेबल्स। सो यहाँ पे क्या है कि मलेरिया फीवर्स जो होती है, मलेरिया का जो बुखार होता है वो कैसे होता है, तो मलेरिया की जो का जो बुखार होता है वो बेसिकली ठंड के साथ शुरू होता है, कंपन होती है बॉडी में उसके साथ शुरू होता है, और इसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाता है, इसकी जो दवाई बनती है वो सिंकोना जो पेड़ होता है उसकी पत्तियों से, उसके छाल से तैयार की जाती है।
आयरन जो होता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो गुड़, आंवला और हरी सब्जियां होती है उसमें आयरन पाया जाता है। फ्लाई स्प्रेड डिजीजेस लाइक स्टमक प्रॉब्लम्स। अल्गे इज अ काइंड ऑफ प्लांट विच स्प्रेड्स इन द रेनी सीजन मोस्टली। सो फ्लाइज जो होते हैं, मक्खियां जो होती है, वो बहुत सारे डिजीज जो होती है काउज करती है, जैसे कि वो पेट और अमाशय से संबंधित बीमारियां जो है ट्रेवल करती है, वो कैरी करती है। और अलगी जो होता है एक तर प्रकार का पौधा है, जो कि मुख्यतः जिसे हम अलगी को आप काई बोलते हैं हिंदी में, अगर बात करेंगे उसे काई आप बोलते हैं, जमीन पे जो पानी जहां लगता है वहां लग जाता है तो उसे काई बोलते हैं, और बरसात के मौसम में ये पैदा होता है। और एक यहाँ पे साइंटिस्ट है जिसका नाम है रोनल रॉस। सो द साइंटिस्ट हु पीप्ड इनटू अ मॉस्किटो स्टमक, दैट इज रोनल्ड रॉस। रोनल्ड रॉस एक वैज्ञानिक है जिन्होंने मच्छर के पेट में क्या किया था, झांक कर देखा था पहली बार। और उन्होंने क्या बताया था, तो उन्होंने बताया था कि मच्छर जो होता है कि मलेरिया मच्छर की वजह से होता है। इससे पहले लोग मलेरिया का कारण एक बुरी प्रदूषित हवा को मानते थे। और मलेरिया क्या होता है, He found about the malaria before these people believed that it's a disease form of bad air. Malaria is caused by one cell parasite called a plasmodium. So, ये basically होता है एक single cell parasite जिसका नाम होता है plasmodium. Female anopheles mosquitoes look brownish with spotted wings. So, कैसी होती है ये मादा anopheles मच्छर? तो ये brownish होती है जिसके bodies पर सफेद स्पॉट्स, व्हाइट स्पॉट्स होते हैं, व्हाइट ब्राउनिश स्पॉट्स होते हैं, जो इसे इसकी कैरियर होती है। नेक्स्ट है फीमेल विथ आयरन, सॉरी यहाँ पे एनीमिया। एनीमिया की बात करेंगे, ये एक नॉर्मल है दिल्ली के स्कूल्स में एनीमिया। तो यहाँ पे देख लेते पहले, विटामिन एंड आयरन गिव स्ट्रेंथ एंड कीप अस वार्म इन द कोल्ड। सो विटामिन और आयरन हमें स्ट्रेंथ देते हैं और हमें ठंडी के दिनों में गर्म बना के रखते हैं बॉडी को। टेकला विलेज इज एट हाइट ऑफ 1600 मीटर्स इन झर्रापटन, जो है कहाँ पर है ये, झलवर में है, ये राजस्थान का जगह है जहां पर है। और यहाँ पे क्या है, द एंगल ऑफ आवर बॉडी शुड बी 90 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग द Climbing and the back should be straight. So, अगर आप किसी पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं तो क्लाइंब करने के लिए आपकी जो बॉडी का शेप है वो 90 डिग्री पे आपको टर्न करना होगा और आपके बैक को स्ट्रेट रखना होगा। बछेंद्री पाल इज द फर्स्ट इंडियन वुमन एंड द फिफ्थ वुमन इन द वर्ल्ड रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। चलिए अब ध्यान देते हैं कि शारीरिक और यहाँ पे क्या होता है, मैंने एनीमिया की बात करी थी, तो एनीमिया में क्या हुआ था, दिल्ली एक टेस्ट हुआ था जिससे कि पाया गया था कि नॉर्मल है दिल्ली के स्कूल्स में। इसमें क्या होता है, खून और पोषण की कमी से होने वाली ये बीमारी है। और 17 नवंबर 2007 को एक टेस्ट हुआ था जहां पर पता लगा था कि दिल्ली के स्कूल में बीमार 1000 बच्चे जो है एमसीडी में भर्ती हुए थे इसी बीमारी से, और इसमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है, वृद्धि और विकास भी रुक जाता है और एनर्जी लॉस होता है बच्चों में, स्टडी जो होती है उसकी एबिलिटी कम हो जाती है। और हेल्थ चेकअप हुए तो बच्चों के हेल्थ कार्ड्स बनाने शुरू हुए और उसमें क्या होता है, आयरन की दवाई दी जाती है एनीमिया में। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे मलेरिया की दवाई हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब यहाँ पे ये जो लेसन है हमारा अप यू गो, ये उसके बारे में जान रहे हैं हम। अप यू गो तो यहाँ पे बछेंद्री पाल की है कि माउंटेन क्लाइंबिंग के बारे में है कि यहाँ पर एक बछेंद्री पाल ने, वो फर्स्ट इंडियन वुमन थी और फिफ्थ वर्ल्ड में फिफ्थ थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली महिला थी। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक बार और कि एक यहाँ पे माउंटेन क्लाइंबिंग जो होता है इसमें एक जो लीडर होता है, नेता है, उसकी विशेषता क्या क्या होती है। तो वो दूसरों की बैग उठाने में मदद करता है, ग्रुप को आगे भेजता है और फिर जो है स्वयं लास्ट में जाए, और जो चढ़ नहीं पाते हैं वो उनकी मदद करता है, और रुकने वो आराम करने के लिए अच्छी जगह का वो सिलेक्शन करता है, और जिन्हें दिक्कत आ रही है उनका ध्यान दे, और समूह में खाने का जो पर्याप्त बंदोबस्त होता है वो एक नेता करता है। जब क्लाइंबिंग की जाती है माउंटेन क्लाइंबिंग तो जो नेता होता है, लीडर एक बनाया जाता है, वो ये उसके बारे में हम जान रहे हैं। तो अच्छा करने पर लोगों को क्रेडिट देता है और कुछ गलत होने पर वो स्वयं की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ठीक है, ये थी एक लीडर की स्पेशलिटी। ओके,
चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। मुंबई इज द मोस्ट क्राउडेड सिटी ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर मुंबई जो है सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर है हमारे इंडिया का। टू रीच दिल्ली फ्रॉम मुंबई वन हैज टू क्रॉस मेनी स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। तो अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो आपको क्या करना होगा, बहुत सारे स्टेट्स को क्रॉस करना होगा, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान को। और द डिस्टेंस फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली इज 1400 किलोमीटर्स। तो दिल्ली से मुंबई की जो डिस्टेंस है वो 1400 किलोमीटर है। द रोड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर डिफिकल्ट ड्यू टू माउंटेन्स। सो ये जो रोड है वो क्यों डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज ऑफ द माउंटेन्स। यहाँ पे पहाड़ बहुत ज्यादा है इसलिए रास्ता काफी पहाड़ी है, जिससे कि वो तकलीफ होती है वहां पे चढ़ने में। वन हैज टू क्रॉस जम्मू कश्मीर इन ऑर्डर टू रीच लेह लद्दाख। और फिर क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, अगर जम्मू कश्मीर किसी को क्रॉस करना है और लेह लद्दाख को पहुंचने के लिए, तो वहां पे पीपल यूज नायलॉन टेंट्स इन हिली एरियाज। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि नायलॉन के टेंट्स का यूज करते हैं जितने भी हिली एरियाज है वहां पे। जम्मू कश्मीर की जो रोड है वो बहुत उबर खाबर है क्योंकि वो माउंटेन्स है वहां पे बहुत ज्यादा है। लेह लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर से होकर गुजरना पड़ता है और पर्वतीय जो क्षेत्र है वहां नायलॉन का टेंट यूज किया जाता है। लद्दाख इज कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट। सो लेह लद्दाख, लद्दाख को क्या कहा जाता है, ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। लद्दाख, इन लद्दाख यू विल सी वुडन हाउस, हाउस विद स्लोपिंग रूफ्स एंड कवर्ड इन स्नो। लद्दाख इज हाई, ड्राई एंड फ्लैट, कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। सो लेह लद्दाख जो होता है ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, आपको याद रखने के लिए। सबसे रीजन क्या है इसका, वो बहुत हाइट पर है, ड्राई और फ्लैट प्लेन है। और लद्दाख के घर कैसे बने होते हैं, तो लकड़ी के होते हैं और ढलान छत वाले बर्फ से ढके होते हैं। और मनाली जो हिमाचल प्रदेश में, वहां भी ऐसे ही घर होते हैं। लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है और बर्फ से ढके पहाड़ होते हैं और ठंड होती है, फ्लैट सरफेस है और यहाँ पे ड्राई होता है, जिस कारण कोई भी पेड़ पौधे उगते नहीं है। और यहाँ पर जो एक लैंग्वेज बोली जाती है जूले जूले, मतलब जूले जूले का मतलब होता है स्वागत स्वागत। और आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो झूले झूले का मतलब होता है वेलकम वेलकम, स्वागत स्वागत। अब देयर आर हाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड अ कोल्ड फ्लैट ग्राउंडेड बिकॉज ऑफ ड्राइनेस, सो नो प्लांट्स ट्री गुड ग्रोज इन लद्दाख। नेक्स्ट है इन लद्दाख, झूले झूले मीन्स वेलकम वेलकम। इट वॉज अ बिल्डिंग विथ टू फ्लोर्स। सो यहाँ क्या होता है, दो फ्लोर के बिल्डिंग बनाए जाते हैं और नीचे का जो फ्लोर है ना उसमें विंडोज नहीं होती ग्राउंड फ्लोर में। और जब ठंड बढ़ जाती है तो क्या होता है, तो पहले निचला मंजिल जो होता है वो जानवरों और इम्पोर्टेंट सामान को रखने के लिए वो यूज करते हैं, और जब ज्यादा ठंड हो जाती है तो ये भी खुद भी उसी में चले जाते हैं। और यहां देख लेते हैं, इन द हाउस वॉज मेड अप ऑफ स्टोन्स विच आर कीप वन ओवर द अदर, द वॉल्स वेयर कोटेड विद थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम। चूने और मिट्टी से बने होते हैं। द हाउस लुक्ड लाइक अ शेड फ्रॉम इनसाइड विद अ लॉट ऑफ हे स्टोर्ड हियर। अभी अभी मैंने बताया, द ग्राउंड फ्लोर इज फॉर एनिमल्स एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स। समटाइम्स व्हेन इट गेट्स टू कोल्ड पीपल आल्सो मूव डाउनस्टेयर्स। हियर ग्राउंड फ्लोर्स हैव नो विंडोज एंड थिक ट्रीज ट्रंक आर यूज्ड टू मेक रूफ्स स्ट्रॉन्ग। रेड चिली, ऑरेंज पंपकिंस एंड गोल्डन येलो कॉर्न्स आर फाउंड इन लद्दाख। सो बेसिकली क्या होता है कि मोटी जो पेड़ होती है उसके तनों का प्रयोग ये करते हैं छत को बनाने के लिए। और यहाँ के जो फेमस जो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये लाल मिर्च और संतरी कद्दू, पीला भुट्टा, ये सब लद्दाख में होते हैं। और फिर क्या होता है, ड्यूरिंग समर सीजन वी ड्राई मेनी फ्रूट्स and vegetables, we store them for winters and we do not get fresh fruits and vegetables. अभी summer season में जो सब्जियां और फल होते हैं उसी को dry करके उन्हें रख दिया जाता है कि उसे winter में जब ठंड बहुत बढ़ जाती है तो यहाँ पे fresh fruits और vegetables नहीं मिल पाते हैं, तब ये इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं।
The thick walls, a wooden floor and a wooden ceiling protects the people of Ladakh from the cold. तो ये जो लकड़ी की जो मोटी छत और दीवार होती है कि ठंड से बचने में इनकी हेल्प करती है. In Ladakh there are narrow rocky mountain roads and at many places there are no roads at all. So, यहाँ पर क्या होता है, संकुचित रास्ते होते हैं, पथरीली पहाड़ी सड़कें होती है और कहीं भी सड़क ही नहीं होता. अगर बात करेंगे नेक्स्ट, ये चांग चौंग इज एट अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5,000 meters. इट हैज रॉकी प्लेन्स देयर. एट वेरी हाइट प्लेस पीपल फील डिफिकल्ट टू ब्रीथ, हेडेक एंड फील वीक. देयर आर नो पेट्रोल पंप्स, नो मशीन्स, नो मैकेनिक्स देयर. अब चांगचंग नाम की जगह है जो पथरीले मैदान है वहां पर, और बहुत ऊंचे जगहों पर क्या होता है, दिक्कत होती है वहां पे लोगों को सांस लेने में, जिस वजह से सरदर्द की समस्या होती है और बहुत ही वीकनेस सी, कमजोर सी वो महसूस करते हैं, क्योंकि उनका जो ऑक्सीजन लेवल है बॉडी में वो बहुत कम हो जाता है. और वहां पे कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलता और मैकेनिक भी नहीं मिलते वहां पर. चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है चंपा जनजाति. चंपा एक ट्राइब्स की बात करेंगे. चंपा, चंपा एक ट्राइब्स है जो पहाड़ियों पर रहते हैं. अ ट्राइब लिविंग ऑन द माउंटेन्स, द चंपा ट्राइब्स हैज ओनली अबाउट 5,000 पीपल. सो एक जनजाति है और जो पहाड़ियों पर रहती है, और इनकी जो आबादी है कुल 5,000 के आसपास इनकी टोटल आबादी है. एंड चंपास आर ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गोट्स एंड शीप. They get all that they need, milk, meat, skin for rent and wool for coat and sweaters. So, ये क्या करते हैं? तो चंपा जनजाति जो होती है वो मुख्यतः अपने बकरियों और भेड़ों के साथ अपने अपना निवास करते हैं, और भेड़ बकरियों से ही इन्हें क्या मिलता है, दूध, मांस और उसके खाल, और टेंट हेतु जो कपड़ा होता है, जो टेंट लगाते हैं ये जहां रहते हैं, तो वो भी वो इन्हीं एनिमल से उन्हें मिलता है. और हर परिवार क्या होता है, अपने एक अपने अपने जानवरों पे एक स्पेशल टाइप की मार्क, चिन्ह लगा के रखता है, जिससे कि उन्हें कोई ढूंढने में तकलीफ ना हो. सो इट इफ दे गेट ऑल दे नीड, मिल्क, मीट, स्किन फॉर टेंट, वूल फॉर कोट्स एंड स्वेटर्स. If a family has more animals, it is considered rich and important. So, जिस परिवार के पास क्या होता है, अधिक भेड़ बकरी होते हैं, वो उतना ही अधिक अमीर माना जाता है उसे. और from these special goats, they get wool from for making the famous pashmina wool. और इन्हीं जो विशेष बकरियां होती हैं, जिनसे उन्हें पश्मीना शॉल के लिए ऊन प्राप्त होता है. The champa graze their goats at higher and colder places so that the goats have more and सॉफ्ट सॉफ्टर हेयर फर. तो यहाँ क्या होता है, यहाँ जो बकरियां होती है, ये जनजाति के लोग ऊंचे ठंडी जगहों पर इसे ले जाते हैं, जिससे कि उसकी ऊन जो होती है बहुत सॉफ्ट और मुलायम हो जाती है और काफी गर्मी देने वाली भी होती है. दे स्टे हाई अप ऑन दीज माउंटेन्स इन वेरी डिफिकल्ट कंडीशन बिकॉज दैट इज वेयर दीज गोट्स कैन लीव. सो यहाँ पे क्या होता है, ये लोग बहुत ऊंचाई पर कठिनाई में रखते हैं, क्योंकि इनके मवेशी वहां पर रह सके. और इफ यू विल टॉक अबाउट द यहाँ के जितने भी, दिस इज देयर लाइफ एंड देयर लाइवलीहुड. एंड द चंपास कैरी एवरीथिंग दैट दे ओन ऑन देयर हॉर्सेस एंड यॉक्स. इट टेक्स देम ओनली 2.5 hours टू पैक एवरीथिंग एंड मूव अहेड. So, यहाँ के जो जनजाति अपना सारा सामान अपने घोड़े और याकों पर लाद के रखते हैं. इनके टेंट को क्या कहा जाता है, इनके टेंट के लिए एक नाम होता है, द चंपास कॉल देयर टेंट्स रेबो. सो रेबो कहा कहते हैं. और इनके याक हेयर्स इज वोवन टू मेक स्ट्राइप्स विच आर स्टिच्ड टुगेदर. सो इन याकों के बालों को बुनकर ये क्या करते हैं, उनके जो याक के जो बाल होते हैं उसे बुनकर शरीर में एक कवर जैसा, ये कवर टाइप बना लेते हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करता है, जो बहुत ज्यादा जब ठंड होती है उससे. और नेक्स्ट है, यहाँ पे देखते हैं आगे क्या है. दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड वार्म एंड प्रोटेक्ट दम द आईसी स्ट्रॉन्ग विंड्स. तो ये बहुत ही गर्म करता है जो याक का जो लेदर ये उड़ते हैं. इन विंटर द टेम्परेचर ड्रॉप्स मेनी डिग्रीज बिलो जीरो. The winds blows 70 kilometers per hour. So, हवा की जो रफ्तार होती है 70 kilometers per hour से भी ज्यादा होती है.
ऐसे में क्या होता है, ठंड में तापमान 0 से भी बहुत नीचे चला जाता है। और अगर बात करेंगे, देखिए यहाँ पे लैंग्वेज की, इन चंपा लैंग्वेज चंगथन, सो चंपा की जो लैंग्वेज होती है, चांग चांग का अर्थ है बहुत की जो भाषा में, चौंग धाम, चौंग धाम का मीन्स होता है पे प्लेस वेयर वेरी पीपल वेरी फ्यू पीपल लिव, सो बहुत जहां पर बहुत ही कम लोग रहे, ऐसी जगह को हम चांग चांग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आगे। इन श्रीनगर यू विल सी सम हाउसेस ऑन द माउंटेन्स व्हाइल कम व्हाइल सम ऑन वॉटर। सो अगर श्रीनगर की बात करेंगे, और अब इसके चंपा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, और कि यहाँ के जो घर होते हैं, तो यहाँ के जो घर होते हैं ना, वो क्या होता है, बेसिकली बने होते हैं कुछ डिजाइन और पत्थर से, और कुछ पानी पर भी बने होते हैं। और श्रीनगर इन कश्मीर एवरी लेन हैज अ बेकरी, कश्मीरी पीपल डोंट कुक रोटीज इन देयर होम्स, दे बाय इट फ्रॉम सच बेकरीज। अब कश्मीर अगर आप कभी गए हैं या कभी जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वहां जो होता है, आपको हर गली में एक बेकरी शॉप मिल जाती है, क्योंकि ये लोग रोज रोटियां बनाते नहीं है, बल्कि वो वहां से खरीद लेते हैं। अब जानते हैं हम थोड़ा डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेल्टर्स इन जम्मू एंड कश्मीर, सम ऑफ हाई माउंटेन, सम ऑन वाटर, सम विद ब्यूटिफुल डिजाइन इन वुड एंड स्टोन, एंड सम मोबाइल शेल्टर कैन दैट कैन इवन बी पैक्ड एंड कैरीड टू अनदर प्लेस। सो कुछ यहाँ पर जो पहाड़ों पर होते हैं, कुछ लकड़ी के डिजाइन वो पत्थर से बने होते हैं, कुछ पानी पर होते हैं, और कुछ जो ऐसे होते हैं जो मोबाइल होते हैं, मतलब घूम गतिशील आवास होते हैं, मतलब कि कहीं भी आप इसे लेके घर को लेके मूव कर सकते हैं। अब नियर द रेबो देयर वॉज अ प्लेस टू कीप शीप एंड गोट्स, चंपा कॉल इट लेखा, द वॉल्स ऑफ लेखा आर मेड विथ स्टोन्स। अब चंपा के लोग जहां पे अपनी भेड़ों को रखते हैं, उस जगह को वो क्या कहते हैं, लेखा कहते हैं। और ये जो पत्थरों और दीवारों से बनी हुई एक जगह होती है। और नेक्स्ट, ईच फैमिली पुट्स अ स्पेशल मार्क ऑन देयर ओन एनिमल्स, सो अपने भेड़ों को चराने से ले जाने के पहले और बाद में घर की औरतें और लड़कियां को गिना जाता है, जितने भी भेड़ों को चराने के पहले और बाद में घर की औरतों और लड़कियों को गिना, लड़कियों के द्वारा गिना जाता है, जो शिप्स की संख्या जो होती है ना, उनको वो गिन कर ले जाते हैं और फिर वापस ला के फिर से गिनते हैं, और उनके शरीर पर एक मार्क भी देते हैं। सो द वुमेन एंड यंग गर्ल्स काउंट द टेक काउंट एंड टेक द एनिमल्स आउट ऑफ द लेखा। कारगिल कम्स इन द वे टू श्रीनगर फ्रॉम लद्दाख। अब लद्दाख से श्रीनगर जाते हुए बीच में वहां पे कारगिल पड़ता है। ठीक है, हाउसेस ऑफ श्रीनगर। अब बात करेंगे हम घर कैसे होते हैं श्रीनगर के घर। सो हाउस बोट्स कैन बी एज लॉन्ग एज 80 फीट एंड अराउंड 8 to 9 feet वाइड। डोंगा, दीज बोट्स कैन बी सीन इन डल लेक एंड झेलम रिवर फ्रॉम इनसाइड। द डोंगा इज जस्ट लाइक अ हाउस विथ डिफरेंट रूम्स। अब यहां क्या होता है कि श्रीनगर के जो घर होते हैं, पहला है हाउस बोट। हाउस बोट जो होता है वो 80 to 90 feet लॉन्ग होता है, 8 to 9 feet वाइड होता है। ठीक है, और नेक्स्ट होता है वो अंदर से उसमें अलग अलग कमरे बने। और डोंगा की बात करेंगे, डोंगा में क्या होता है, डल झील और झेलम में ये पाए जाते हैं, और अंदर से उसमें अलग अलग कमरे भी होते हैं। और अगर बात करेंगे यहाँ पे हाउस बोट की, सो ब्यूटिफुल कार्विंग ऑन वुड कैन बी सीन ऑन द सीलिंग ऑफ हाउस बोट एंड कैन बिग हाउसेस। दिस डिजाइन इज कॉल्ड खतमबंद, विच हैज अ पैटर्न दैट लुक लाइक जिगसॉ पजल। सो हाउस बोट पर लकड़ी की सुंदर कार्विंग देखने को मिलती है, जिसे खतमबंद कहा जाता है, जो जिगसॉ पजल की तरह वो दिखता है। नेक्स्ट है, इन विलेजेस ऑफ कश्मीर हाउसेज आर मेड फ्रॉम स्टोन कट्स एंड केप्ट वन ऑन टॉप ऑफ द अदर कोटेड विद मड। पत्थर के टुकड़ों से क्या होता है, एक के ऊपर एक रखकर घर बनाया जाता है, और गीले कीचड़ से उसकी लेपाई की जाती है। और क्या होता है यहाँ पे, वुड इज ऑल्सो यूज, द हाउस हैव स्लोपिंग रूफ, तो लकड़ियों का भी इस्तेमाल होता है, साथ ही ढलान वाली छत होती है। एंड सम ओल्ड हाउसेज
houses have a special type of windows which comes out of the wall. This is called dam. It is a beautiful wood pattern. So पुराने घरों में एक विशेष तरह की खिड़की होती है जो क्या होता है कि ये जो खिड़की होती है पुराने तरह घरों पे उसमें क्या होता है लकड़ी के बहुत ही सुंदर पैटर्न होते हैं और ये जो ये किस तरह की होती है दीवार से बाहर की ओर आई होती है जिसे हम डैब कहते हैं और पुराने घर जो होते हैं पत्थर ईंट और लकड़ी से बने होते हैं और दरवाजे और खिड़कियों में बहुत ही सुंदर सी डिजाइन होती है जिसे मेहराब कहते हैं ये लोग ठीक है यहाँ पे द ओल्ड हाउसेज हियर आर मेड ऑफ स्टोन ब्रिक्स एंड वुड द डोर्स एंड विंडोज हैव ब्यूटिफुल आर्चेस दैट इज कॉल्ड मेहराब When the earth shook. So, ये लेसन है हमारे एनसीईआरटी का जिसको देखते हैं कि इसमें क्या है बेसिकली द ओल्ड हाउस सॉरी When earth shook on 26 जनवरी 2001 earthquake hit the कच्छ एरिया इन गुजरात सो 26 जनवरी 2008 में भूकंप आया था जो कच्छ गुजरात में गुजरात कहां पर है ये अहमदाबाद में है यहां पर भूकंप आया था और जब यहाँ पे इस लेसन में हमें क्या जानना है तो इस लेसन में बेसिकली हमें जान लेते हैं कि हमें अगर कभी भूकंप आए तो आपको क्या करना चाहिए तो कभी भी भूकंप आए तो आपको खुली एरिया में चली जाना चाहिए अगर वहां नहीं जा सकते हैं तो किसी मजबूत चीज के नीचे चले जाना चाहिए और उसे मजबूती से पकड़ लेना चाहिए नेक्स्ट है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड चलिए इस लेसन को देख लेते हैं उसी से ठंडा उसी से गर्म ये है स्ट्रॉ ये एक एक स्टोरी है जिस जो लिखा गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा सो दिस स्टोरी हैज रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सो द एयर कमिंग आउट ऑफ आवर माउथ कैन बी कोल्ड और हॉट एज कंपेयर टू द टेम्परेचर आउटसाइड स्टेथोस्कोप इज यूज टू लिसन आवर हार्ट बीट्स द कोल्ड एयर कम्स डाउन एज इट इज हैवियर The breath can be cold or hot according to the outside temperature. So, basically क्या होता है हमारे मुंह से जो आने वाली हवा होती है वो गर्म या ठंडी हो सकती है ये डिपेंड किस पर करता है तो ये डिपेंड करता है कि बाहर का तापमान कितना है स्टेथोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम हार्ट बीट को मेजर करते हैं और गर्म हवा हल्की होती है और ठंडी हवा भारी होती है नेक्स्ट है कौन करेगा यह काम ये लेसन था हमारे एनसीईआरटी में दैट उसमें क्या है गांधी जी फ्रेंड महादेव भाई सन नारायण स्टेड विद गांधी जी व्हेन ही वाज यंग टीचर कैन यूज न्यूज आइटम्स ऑन इश्यू रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी इन क्लास टू डेवलप सेंसिटिविटी तो यहाँ पे क्या है सफाई का काम करने वालों के प्रति लेसन में क्या किया गया है तो जितने भी सफाई करनी है उनके प्रति संवेदनशीलता और उनके प्रति सहानुभूति दिखाई गई है और गांधी जी के जो मित्र थे महादेव भाई के बेटे नारायण थे और भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के गोरेगांव से हैं और भारतीय संविधान के निर्माण कमेटी के अध्यक्ष थे फादर ऑफ मेडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और सोर्स कहां से लिया गया है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो यहां देख लीजिए आप एक बार से सो गांधी जी फ्रेंड महादेव भाई सन नारायण स्टेड विद गांधी जी व्हेन ही वाज यंग टीचर कैन यूज न्यूज आइटम्स इश्यूड रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी इन द क्लास टू डेवलप सेंसिटिविटी सो टीचर्स को ऐसे टॉपिक्स को चूज करके और जो न्यूज में आते हैं उसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए जिससे कि उनमें सेंसिटिविटी बढ़े भीमराव अंबेडकर जो है गोरेगांव महाराष्ट्र रहने वाले थे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने में भी लीडर थे बाबा साहेब अंबेडकर और इंटरव्यू अडेप्टेड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्री एक यहाँ क्या हुआ था एक मिनट में आपको बता दूं ये कि इंटरव्यू अडेप्टेड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड बाय स्टालिन की तो यहां पर एक मूवी बनी गई थी डॉक्यूमेंट्री मूवी थी जो कि डॉक्यूमेंट्री मूवी जिसका सोर्स था इंडिया अनटच्ड बाय स्टालिन के तो ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये प्रावधान था इससे रिलेटेड ये मूवी बनाई गई थी तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने कवर किया नेक्स्ट पार्ट को मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ यहाँ हम इसे कंटिन्यू करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट को यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं
उम्मीद करती हूँ कि आपकी सीटेट की प्रिपरेशन 2019 के लिए अच्छी चल रही होगी। आप ये जो पढ़ रहे हैं आपके सीटेट में भी काम आएगा, आपकी अपकमिंग एमबीएस, केवीएस और जितने भी टीचिंग एग्जामिनेशन है आप स्टेट टेट कर रहे हैं तो भी सब हर में सब एग्जामिनेशन में अगर आपका इसमें ईवीएस पूछा जाता है तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।